साउथ हो या फिर बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस अपने करियर में खूब नाम कमाते हैं, मगर एक फैसले के बाद उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो फैसला शादी का होता है। इस रिश्ते में बंधने के बाद अक्सर देखा जाता है कि एक्ट्रेस को अपना करियर छोड़ना पड़ता है। इसमें कुछ शादी के बाद काम करती रहती है तो कुछ गृहस्थी जीवन को अपना लेती है और एक्टिंग से दूरियां बना लेती है। अब खबर आ रही है कि नयनतारा अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए एक्टिंग छोड़ेंगी, लेकिन उनसे पहले भी कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनका करियर पीक पर रहा है और उन्होंने लाइमलाइट से दूरियां बना ली है। ऐसे में आज हम उन्हीं हसीनाओं के बारे में जानेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले नम्रता शिरोडकर का नाम आता है। 90 के दशक की वो पॉपुलर हीरोइनों में से एक रही है, लेकिन शादी के बाद एक्ट्रेस ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। उन्होंने साउथ के सुपरस्टार एक्ट्रेस महेश बाबू के साथ 7 फेरे लिए थे। इस शादी से एक्ट्रेस के 2 बच्चे सितारा और गौतम हैं। एक्ट्रेस ने करियर को छोड़ने के बाद अपने घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को बखूबी संभाली है। साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस ज्योतिका ने भी शादी के बाद अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया था। उन्होंने साउथ के फेमस एक्टर सूर्या के साथ शादी की थी। उन्होंने 2006 में 7 फेरे लिए थे और अपने पत्नी के रिश्ते में आने के बाद एक्टिंग को बाय बाय बोल दिया। हालांकि एक्ट्रेस ने 13 साल बाद कमबैक किया था। राधिका पंडित कन्नड़ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। उन्होंने KGF स्टार यश से शादी की थी। उन्होंने साल 2016 में शादी की थी और शादी के बाद अपने एक्टिंग करियर को छोड़ दिया था। इस शादी से उनके 2 बच्चे आयरा और यथर्व है। उन्होंने पूरी तरह से गृहस्थ जीवन को अपना लिया है। राधिका ने कन्नड़ फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। एक्ट्रेस नजरिया नजीम ने पुष्पा स्टार फहाद फासिल से शादी की। उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला तब लिया था जब उनका करियर पीक पर था। वो 2014 में शादी के बंधन में बंधी थी। पत्नी के रिश्ते में आने के बाद उन्होंने एक्टिंग करियर को छोड़ दिया था। हालांकि शादी के 4 साल बाद उन्होंने मलयालम में अंजलि मेनन की कूड़े से एक्टिंग में वापसी की थी। वही थाला अजित कुमार की वाइफ और एक्ट्रेस शालिनी ने भी शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कभी वापसी नहीं की और अब वो पति और बच्चों का ख्याल रखती है। सोनाली बेंद्रे बॉलीवुड का बड़ा नाम है। उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि साउथ में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। उन्होंने करियर की शुरुआत 1994 में की थी और साल 2002 में गोल्डी बहल से शादी रचा ली थी। इसके बाद उन्होंने पर्दे से लंबा ब्रेक लिया था। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक में काम कर चुकी एक्ट्रेस असीन ने साल 2016 में माइक्रोमैक्स के सह संस्थापक राहुल शर्मा से शादी की थी। उनसे शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग करियर को छोड़ दिया था। साल 2018 में उन्होंने एक्टिंग करियर शुरू किया था और पीक पर पहुंचते ही उन्होंने इससे दूरियां बना ली। आज वो अपने परिवार की देखभाल में सारा वक्त गुजारती है। बॉलीवुड की चहेती एक्ट्रेस भाग्यश्री ने सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया से करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि साउथ में भी काम किया था। उन्होंने हिमालय दसानी से शादी की थी और फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन अब वो लंबे समय बाद 2023 में कमबैक कर रही है। जेनेलिया डिसूजा बॉलीवुड और साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस है। उन्होंने साल 2012 में रितेश देशमुख के साथ शादी की थी। उन्होंने उनके 2 बच्चे रियान और राहुल है। उन्होंने शादी के कुछ सालों के बाद एक्टिंग में कन्नड़ फिल्म से कमबैक किया था। सलमान खान की फिल्म वांटेड जैसी फिल्म में काम कर चुकी एक्ट्रेस आयशा टाकिया अपने लुक की वजह से करियर की शुरुआत से ही काफ़ी चर्चा में रही। उन्होंने अजय देवगन की फिल्म टार्जन द वंडर कार फिल्म से करियर की शुरुआत की थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग करियर को बाय बाय कह दिया। वो हिंदी और साउथ दोनों ही इंडस्ट्रीज में अपना हुस्न का जलवा बिखेर चुकी है।